Hello, my dear children. Welcome to your English class. And I am your digital teacher and mentor, Ananya. And today we are going to begin with the wonderful journey of a new book. That is Literary Journeys, an English Reader for Class 3 by Brainroot Publications. So today we shall begin with the first lesson of this book, that is a beautiful poem. And the title of the poem is Evening. आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे बच्चों जिसमें कवि ने शाम यानी इवनिंग की पूरी सुंदरता को डिस्क्राइब किया है. तो आइए पढ़ते हैं. As the night falls, the speaker finds comfort and safety in God's presence, trusting His guidance and protection through the darkness, sleep and all moments, knowing He loves all equally. जब रात होती है बच्चों, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, लेकिन हम नहीं डरते. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भगवान सबकी रक्षा कर रहा है. ऐसे ही पोएट यानी कवि भी किसी चीज़ से नहीं डरते. शाम होते हैं, शाम होने के बाद जब अंधेरा आता है या वो सोने जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान हम सभी को देख रहे हैं और हम सभी का ध्यान रखेंगे. क्लोज योर आइज एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. You have to do this activity. Think of a color, any color. You should remind you relaxation. ऐसा कोई color सोचिए आँखें बंद करके जिसको देख के ही आपको शांति का एहसास होता हो. With your eyes closed, think another color that represents stress and anger. आँखें बंद करके एक और color सोचिए जिससे आपको गुस्सा या angriness आता हो, बहुत गुस्सा आता हो या irritation होता हो. Now take deep breath. स्लोली, धीरे धीरे गहरी गहरी सांसें लीजिए. इमेजिन ब्रीथिंग इन योर रिलैक्सिंग कलर, सी इट्स फिलिंग अप योर लंग्स. अब धीरे धीरे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे वो जो रिलैक्सिंग कलर है वो आपके अंदर सांसों में घुल रहा हो. इमेजिन ब्रीथिंग आउट एंगर और स्ट्रेस, और आपका जो गुस्सा है, जो परेशानियाँ हैं, वो सब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं. At the end of 3 minutes, open your eyes. 3 मिनट बाद अपनी आंखें खोल के देखिए. ये एक्टिविटी कीजिए और देखिए क्या आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, क्या आपको शांति महसूस होती है. Now let's read the poetry. The day is past, the sun is set. दिन बीत चुका है और सूरज जो है ढल चुका है. And the white stars are in the sky. दिन के बीतते ही क्या हो जाता है, धीरे धीरे आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं. While the long grass with dew is wet and through the air the bats now fly. जो घास है वो हल्की हल्की ओस से गीली होने लगी है और bats यानी चमगादड़ इधर उधर उड़ने लगे हैं. The lambs have now lain down to sleep. जो lambs है वो भी अब धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रहे हैं. The birds have long since sought their nest. और जो पक्षी हैं वो भी काफ़ी पहले अपने घोंसलों में आकर लौट चुके हैं. The air is still and dark and deep and all the hillside the old woods rest. चारों तरफ हवा जो है धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बह रही है. कहीं पे कोई चहल पहल नहीं है और दूर जंगलों में भी बड़ी शांति सी है, कोई भी हलचल नहीं है. Yet of the dark I have no fear. But feel as I safe when it's light. Poet कहता है कि फिर भी इतने अंधेरे में भी मुझे डर नहीं लगता. जैसे ही ट्यूब लाइट्स और बाकी लाइट्स चलती हैं मैं बिल्कुल सेफ फील करता हूँ. दिन में जितना मैं सेफ फील करता हूँ उतना ही मैं रात को भी सेफ ही फील करता हूँ. For I know God is with me there and He will guide me through the night. क्योंकि मुझे यकीन है, मुझे पता है कि भगवान मेरे साथ है और ईश्वर जो है वो हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, मुझे किसी भी मुश्किल में नहीं आने देंगे. For God is me by when I pray and when I close my eyes to sleep. I know that He will stay with me and will all night watch me by keep. So the poet says कि मुझे पता है कि जब मैं रात को सोने से पहले प्रार्थना कर रहा हूँ तो ईश्वर मुझे देख रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं. जब मैं सो जाऊँगा तब भी वो मेरा ख्याल रखेंगे. देखो, he is praying to God
Right? We all pray in the morning and night before sleeping and after waking up. So he is also doing the same thing and he has the faith in God. उन्हें विश्वास है कि भगवान हमें ध्यान रख रहे हैं जब हम सो रहे हैं तब भी और जब हम जाग रहे हैं तब भी. For he who rules the stars and sea, who makes the grass and trees grows, will look on a poor child like me when on my knees I to him bow. तो पोएट बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि सब संसार की सभी चीज़ों को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है. पेड़ पौधों को, फूल पत्तियों को, घास को, बिल्डिंग को, इंसान को, पशु पक्षियों को, सभी चीज़ों का निर्माण ईश्वर ने किया है, भगवान ने हम सबको बनाया है. तो फिर भगवान मेरा भी ध्यान रखेगा क्योंकि मैं भी उन्हीं का बच्चा हूँ. मैं जब अपने घुटनों पर बैठ के उनसे मदद मांगूंगा या उनकी प्रार्थना करूंगा तो वो भी मेरा ज़रूर ध्यान रखेंगे, वो मुझे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे. He holds all things in his right hand, the rich, poor and great and small. When we sleep or sit or stand, he is with us for he loves us all. तो पोएट बोल रहे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि ईश्वर की नज़रों में सभी लोग एक जैसे हैं, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, ईश्वर के लिए कोई भी अलग नहीं है. भगवान सभी को एक जैसा मानते हैं, वो सभी को अपने हाथ में रखते हैं और सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं. किसी के साथ भी वो पार्शियलिटी नहीं करते. जिन्होंने सभी को बनाया है वो सभी को देखभाल भी करते हैं और वो हमेशा ही देखते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सो रहे हैं तो भगवान हमें देखेंगे नहीं, या हम अगर कोई और काम कर रहे तो भगवान हमें देखेंगे नहीं. सोते, जागते, उठते, बैठते, काम करते हुए, रेस्ट करते हुए, हर टाइम ईश्वर हमें देख रहे हैं. वो अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए हैं और हमारा ध्यान रख रहे हैं. ठीक है? सो वी शुड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड एंड वी शुड ऑलवेज थैंक हिम फॉर द ब्यूटिफुल लाइफ एंड द ब्यूटिफुल नेचर दैट गॉड हैज़ गिवन अस. ऑलराइट, नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव फर्दर एंड रीड द वर्ड मीनिंग्स. Sought means attempt to find, यानी किसी चीज़ को खोज के निकालना. Dew means ओस की बूंदे, the moisture that forms small drops on cool surface of the grass. घास पर जो छोटी 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 droplets रहती हैं, dew drops यानी ओस की बूंदे. तो lane का मतलब है कि bed पर लेटना. Wood का मतलब forest, क्योंकि forest में बहुत सारे पेड़ होते हैं और पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, तो इसीलिए वुड को फॉरेस्ट भी कहा जाता है. लव का मतलब प्यार, देखभाल, केयर. गार्ड मीन्स टू प्रोटेक्ट, किसी की रक्षा करना, किसी का ध्यान रखना. रूल्स टू गवर्न और कंट्रोल, यानी नियम बनाना ताकि किसी को कंट्रोल कर सके. ठीक है? सो चिल्ड्रन नाउ लेट्स डू द एमसीक्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल let's do first part. This poem was written in daytime, early in the evening, late in the evening at sunrise. Late in the evening, क्योंकि पंछी जो है वो बहुत देर पहले वापस आ चुके हैं. जो लैम्प है वो अब सोने की तैयारी कर रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, तो इसका मतलब late in the evening. Second, what is wet with you? Grass. ओस की बूंदें किस पर गिरी हैं? घास पर. Let's move further. Third question, third MCQ is, according to the third stanza, the poet was not afraid of monsters, thieves, wild animals or dark. Poet को अंधेरे से डर नहीं लगता क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर हमेशा उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं. Fourth, who feels poor in the poem, the child, friends, parents, neighbor, the child. Next, fifth one, the poet felt safe even at night because he knew that he was protected by his parents, God, his friends, security guard, so his God. उसे यही लगता है कि भगवान उनकी रक्षा करे, इसलिए उन्हें रात को सोते हुए भी डर नहीं लगता है. Now let's do exercise number B. We have to complete these sentences, fill in the blanks using the help box. Help box use करके fill करना है. First one, the lambs have lain down to sleep.
Second, the dash stars in the sky, the white stars are twinkling in the sky, so white stars. सफ़ेद तारे टिमटिमा रहे हैं. थर्ड, आई नो डैश इज़ विद मी, मेरे साथ कौन है? भगवान है. आई नो गॉड इज विद मी. फोर्थ, ही इज़ विद अस, ही डैश अस ऑल, ही लव्स अस ऑल, वो हमारे साथ है और हम सभी को प्यार करते हैं. ठीक है, सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव नोटेड डाउन दीज, आपने इन सभी एक्सरसाइजेस को नोट कर लिया होगा. आगे बढ़े, लेट्स मूव फर्दर. Now let's move to exercise number C, that is write T for true and F for false. ठीक है, हमें गलत के लिए false लिखना है, F लिखना है, और सही sentence के लिए T लिखना है, यानी true. The day is past, the sun is rising, this is false, क्योंकि moon rise कर रहा है, stars rise कर रहे हैं. Second, the air is still, yes, this is true. थर्ड, आई डो नॉट फील सेफ, दिस इज़ फॉल्स, उसे सेफ ही लग रहा है, उसे डर नहीं लग रहा. फोर्थ, ही गॉड इज़ ऑलवेज विद अस, येस, भगवान हमेशा हमारे साथ है. ओके, सो विद दिस वी फिनिश विद दिस सी एक्सरसाइज ऑल्सो. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज नंबर टी, दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन, बट आई वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. First one, what time is the poem written at? The poem is written at late in the evening. Okay? Second, who always guards us? God always guards us. Third, when is God with us? God is with us always. Whether we are sleeping, we are working, we are resting, we are doing work, every time God is with us. Fourth, name two animals that was asleep at night. Lambs and birds, they started being asleep at night. Fifth, what does the God hold in his right hand? The God hold all the rules for the poor, for the rich, for big and small. Everybody, he holds them for the right hand. Sixth, write few pairs of rhyming word in the poem. Poem mein bahut sare pairs of rhyming word hai. Ye aap khud joondh ke nikalenge. All right? So this is something you will find on your own. So with this, we are done with the exercises. I hope children that you have understood the beauty of the poem, and aap hamesha bhagwan pe bharosa rakhenge aur kabhi nahi darenge, hamesha yahi sochenge ki bhagwan hamesha hamare saath hai. So with this, we are done with the first lesson of your book. I hope that you enjoyed the poem. With this, we end today's session. I will meet you again soon with a new chapter of this book where we would learn something new and interesting. Till then, stay tuned and take care. Bye-bye.